नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है आज है 1 जनवरी 2024, यानी 2024 वर्ष की आज पहली तारीख है। तो जैसा कि हम सुबह से करते आ रहे हैं, आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 2024 वर्ष की। ठीक है, हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ये तो एक वजह थी ही इस वीडियो को बनाने की, लेकिन कुछ बातें थी जो कि मुझे आप सभी से करनी थी एज ए नीट एस्पायरेंट, जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगा कि ये कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं एज अ नीट काउंसलर या फिर इस YouTube चैनल के थ्रू मैं काफ़ी सारे नीट एस्पायरेंट के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, पर्सनली भी और YouTube के थ्रू भी। ठीक है, तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट हैं जिनको नीट काउंसलिंग के थ्रू बहुत अच्छे कॉलेजेस भी मिलते हैं, है ना, बेहतर परफॉर्म करते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर भी करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे कॉलेज मिलते हैं, उनका ड्रीम भी अचीव करते हैं वो लोग। लेकिन उनमें से भी कई गुना ज़्यादा ऐसे एस्पायरेंट भी होते हैं, तो या तो उनको अपनी उम्मीद के विपरीत ही कुछ कॉलेज मिल रहा होता है, यानी कि अपनी उम्मीद के अनुसार या तो कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, अच्छे नंबर थे लेकिन उम्मीद के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिला। दूसरा, ऐसे एस्पायरेंट होते हैं या तो अपनी उम्मीद के अकॉर्डिंग कोर्स नहीं मिला, लेना चाहते थे MBBS लेकिन अभी काफ़ी सारे ड्रॉप कर चुके हैं, उनको जो है कोई और कोर्स में एडमिशन लेकर के पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं या फिर उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, ड्रॉप ले रहे होते हैं, निराश होते हैं। ठीक है, उम्मीद के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिला। तो इस 2024 को बच्चों आप सभी को उम्मीद वाला साल बनाना है। हर साल हम लोग सोचते हैं कि आज पहला दिन है, बताऊँ रिजोल्यूशन लेता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें लिखते हैं कि यार मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, इस साल में ये चीज़ें करूँगा, कुछ एक लिस्ट बना लेते हैं, टू डू लिस्ट, कि भाई मैं अब से ये चीज़ें करूँगा। आज तक मतलब मैंने तो कभी हार्डली किसी स्टूडेंट को पाया है, इवन हम भी देखते हैं कि अपन भी कोई लिस्ट बनाते हैं तो वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते, है ना। तो रिजोल्यूशन तो अच्छी बात है, लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा रिजोल्यूशन लिस्ट बनाने के बजाय आप सभी लोग डोंट डू लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट की जगह डोंट डू लिस्ट बनाइए। ऐसे एस्पायरेंट जो कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि ड्रॉप ले रहे होंगे, या तो ड्रॉपर्स होंगे या फिर 12th क्लास में होंगे, कुछ एक 11th क्लास में भी हो सकते हैं, जो भी व्यूअर्स आप सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो डोंट डू लिस्ट बनाइए। कुछ एस्पायरेंट होंगे जिन्होंने पिछली बार नीट 2023 दिया होगा, ठीक है, इस बार नीट 24 वापस से देने जा रहे होंगे। ठीक है, तो अपनी एक डोंट डू लिस्ट बनाइए जिसमें आप वो मेंशन कर लीजिए, वो चीज़ें, वो कारण, वो रीजंस मेंशन कर लीजिए, जो चीज़ें जिन्होंने आपका सिलेक्शन नहीं होने दिया। ठीक है, वो सारी चीज़ें लिख लीजिए, है ना। आज रिजोल्यूशन को गोली मारो, आज डोंट डू लिस्ट बनाइए कि आज पहली तारीख है, दीवार पे पेस्ट कर लीजिए अपनी स्टडी टेबल के सामने, कि वो रीजंस मेंशन कीजिए जहाँ पर आप उसमें लिखेंगे कि ये कारण था जिसके कारण मैं आज जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2023 में, 2024 में वो चीज़ नहीं करनी है। अपने फ्रंट में, आपके सामने जब वो रहेगा, आप बार बार उसे देखेंगे तो आपके ब्रेन में जो है ना स्टिमुलस जाएगा कि वो चीज़ नहीं करनी, भाई नहीं करनी है, मेरे को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो एक डोंट डू लिस्ट बनाइए कि हाँ मैंने जो है मोबाइल चलाया, ठीक है, इसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ, मोबाइल नहीं चलाऊंगा, कम से कम जितना जरूरत होगी उतना चलाऊंगा। ठीक है, आज वहाँ पर फलाना जगह जो है मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ जो है मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बार ज़्यादा करूँगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लिख दीजिए, वो तमाम रीजन्स लिख दीजिए जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, और वो लिस्ट बनाइए, रिजोल्यूशन बनाओ मत बनाओ, क्योंकि मुझे मालूम है 10 दिन रिजोल्यूशन होता है, 11वें दिन वापस से आप वैसे की वैसे ही हो जाते हो। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है अपन को, रिजोल्यूशन लिस्ट को फाड़ के फेंक, मेरे कहने पे फाड़ के फेंक दो, इसके बजाय आप डोंट डू लिस्ट बनाइए। ठीक है, साथ ही हैबिट में लाइए इस चीज़ को कि जो चीज़ें मेरे लिए आज मेरे सिलेक्शन में जो है मेरी हेल्प करेगा वो चीज़ें मैं करूँ। ठीक है, अच्छे से सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट डालिए, कुछ अच्छी हैबिट्स को आप जब डेवलप करेंगे तो आपका ब्रेन भी अच्छी चीज़ों को जो है ग्रहण करेगा और अच्छी चीज़ें जो है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही लाती है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी बात करनी थी, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर इससे आपको स्टिमुलस मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल से इस वीडियो को और भी नीट एस्पायरेंट्स को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी रिजोल्यूशन के चक्कर में ना पड़ करके सही डायरेक्शन में अपना कदम उठाएं और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसको वहीं पर ही आज के दिन पहले दिन ही जो है स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए। ठीक है, और आज पहला दिन है, आप सभी का पूरा साल जो है बहुत अच्छे से हो और आप सभी नीट 24 एस्पायरेंट्स अगर आप हैं तो आपका इस साल सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ में ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस जर्नी,
ऐसे ही और वीडियोस के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट होता रहता हूँ, ठीक है? तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।